कोई भी लक्ष्य इंसान के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे मंथली परफॉर्मेंस के बारे में। इंटेलिसिस ने अपनी परफॉर्मेंस शीट में क्या रिकॉर्ड किया था, कितना था प्लस, कितना था माइनस, पूरा डिस्कस करते हैं एक बहुत छोटे से और एक बहुत शानदार से वीडियो में। और ये मंथली रिपोर्ट कार्ड है, आप अगर रामबाण प्लान लेते हैं हमारा, उसका अगर आपको रिपोर्ट कार्ड पूरा डिटेल में देखना है तो क्वालटकर में देख सकते हैं। बट उसके अलावा अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं, करेंसी में काम करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटेलिसिस ने अपनी परफॉर्मेंस शीट, चाहे वो रामबाण की हो, इंडेक्स की हो, करेंसी की हो, उसके नंबर ऑफ डेज कितने हो चुके हैं, कब से स्टार्ट हुआ था, नवंबर में मंथली प्रॉफिट या लॉस कितना रहा, या फिर इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी थी हमारे इंटेलिसिस के परफॉर्मेंस शीट की, आज वो कितनी स्टैंड कर रही है और कितने नंबर ऑफ डेज हुए हैं। इसके अलावा परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितना हमारा परफॉर्मेंस शीट में कितना फिगर शो हो रहा है। सो आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप कंफ्यूज भी होंगे कि अमाउंट कहाँ से आ गया, तो उसके लिए आपको रेफर करना होगा कॉल ट्रैकर, जो इस वीडियो के साथ भी डला हुआ है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो के साथ भी हमारा कम्युनिटी सेक्शन का एक व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक डला हुआ है। अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं तो उसका पार्ट बन जाइए, अगर आप MCX का काम करते हैं, MCX में काम करते हैं, तो आप उसका पार्ट बन जाइए। सो लेट मी ओपन माय स्क्रीन टू यू। सो आई एम श्योर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको बात करूंगा मंथली प्रॉफिट या लॉस, इसके अलावा रिटर्न टिल डेट, मतलब शुरुआत से लेकर आज तक, चाहे वो इक्विटी हो, MCX हो, करेंसी हो, इंडेक्स हो, या फिर इंडेक्स ऑप्शन हो। सो इक्विटी को आप देखेंगे 22 अक्टूबर 2019 से हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट बनाना चालू किए थे। इसको ऑलमोस्ट 1501 डेज हो चुके हैं, तो 1501 डेज ही दिखाता है इंटेलिसिस का कमिटमेंट, हार्डवर्क, डेडिकेशन आपके लिए। सो इन्वेस्टेड वैल्यू वॉज 8 लाख रुपीज एंड टोटल रिटर्न टिल डेट आप देखेंगे 17,78,878 रुपीज़ हैं। मंथली प्रॉफिट आप देखेंगे या लॉस देखेंगे, जो लॉस बुक हुआ है इक्विटी में वो है 4,228 रुपीज़। देन MCX एंड व्हाट्सएप, जैसा आप जानते हैं कि यूट्यूब में सिर्फ व्यू दिए जाते हैं, कोई भी कॉल जनरेट नहीं होते हैं। 22 नवंबर 2019 से स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टेड वैल्यू वॉज 1.5 लाख रुपीज़। इसमें आप टोटल रिटर्न टिल डेट देखेंगे 7,10,297 रुपीज़, और इसका नंबर ऑफ डेज जो हो चुके हैं वो है 1,470 डेज। देन फिफ्थ नंबर का कॉलम इक्विटी इन MCX, ये है रामबाण। यस, 21 अप्रैल 2020 से हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट बनाना चालू की है। रामबाण एक ऐसा प्लान है जो बेसिक प्लान है कॉमोडिटी का, जिसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सो इसका इन्वेस्टेड वैल्यू वॉज अगेन 1.5 लाख रुपीज। आज आप देखेंगे यस रामबाण 47,40,596 रुपीज में हमारी परफॉर्मेंस शीट स्टैंड कर रही है। सो अगेन इन्वेस्टेड कैपिटल बहुत छोटा था, आज आप देखिए ऑलमोस्ट 48 लाख रुपीज में हमारी परफॉर्मेंस शीट स्टैंड कर रही है। और मंथली प्रॉफिट या लॉस देखेंगे, मंथली प्रॉफिट नवंबर में जो बुक किया हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में रामबाण में, वो है 1,03,831 रुपीज। सो इसका पूरा डिटेल देखना है आपको कि 47,40,596 रुपीज कहाँ से आया, तो आपको उसके लिए करना क्या है, कॉल टकर में जाना है, क्लिक करना है, पूरा डिटेल देखना है, डे बाय डे डिटेल भी आपको दिख जाएगा। देन करेंसी 21 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ, सेम 1,319 डेज हुए, 1.5 लाख रुपीज से स्टार्ट हुआ, टोटल रिटर्न टिल डेट 3,04,586 रुपीज। आप मंथली प्रॉफिट देखेंगे नवंबर में, यस बहुत अच्छा था, 50,945 रुपीज। सो जिस किसी ने भी करेंसी का लेवल्स लिए होंगे, जिस किसी ने भी करेंसी का प्लान लिया होगा, तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी पैसा बनाया होगा। सो 50,945 रुपीज नवंबर में हमने प्लस में क्लोज किया करेंसी में। अब हम बात करते हैं इंडेक्स। कुछ ऐसे हमारे फॉलोअर्स हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, तो उसको आप देखेंगे कि 1 लाख रुपीज से हमने स्टार्ट किया था, टोटल रिटर्न टिल डेट आप देखेंगे 4,23,628 रुपीज है, एंड नवंबर में आप देखेंगे 9,639 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है, और इसको हो चुके हैं 1,271 डेज। ऑलमोस्ट आप देखेंगे मंथली रिटर्न 9.64% का रिटर्न है निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर में। उसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन, आज आप देखेंगे कि इंटेलिसिस स्टॉक ऑप्शन के भी कॉल जनरेट करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस के भी कॉल जनरेट करता है, जो 50,000 रुपीज से स्टार्ट हुआ था। आप रिटर्न टिल डेट देखेंगे 36,013 रुपीज में स्टैंड कर रही है हमारी परफॉर्मेंस शीट, और लास्ट मंथ नवंबर में आप देखेंगे 8,120 रुपीज हमने प्लस में क्लोज किया है, इसको हो चुके हैं 1,199 डेज।
सो जैसा हम हर बार हर वीडियो में बोलते हैं कि हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट 12.5 लाख रुपीज से स्टार्ट करी थी, उसका बायोग्रेगेशन आप ये देखेंगे। इक्विटी 8 लाख रुपीज, MCX एंड व्हाट्सअप 1.5 लाख रुपीज, इक्विटी एंड MCX 1.5 लाख रुपीज, करेंसी 1.5 लाख रुपीज, इंडेक्स कॉल 1 लाख रुपीज और इंडेक्स ऑप्शन 50,000। तो इसको टोटल करेंगे तो 12.5 लाख रुपीज से हमने स्टार्ट किया था। आज हमारी परफॉर्मेंस शीट चाहे इक्विटी हो, देन करेंसी हो, इंडेक्स हो, आज देखेंगे क्लोज टू 80 लाख रुपीज। यस, एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं तो 79,93,998 रुपीज में स्टैंड कर रही है। एंड टोटल मंथली प्रॉफिट या लॉस की बात करूं, नवंबर में हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट में, इसमें ब्रह्मास्त्र और महाबाहुबली इंक्लूड नहीं है, उसका वीडियो अलग डला हुआ है, उसका इमेज भी आपको अलग से पब्लिक टेलीग्राम में दिख जाएगा। सो ये बेसिक प्लान का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें नवंबर में हमने 1,68,308 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया। तो पूरा डिटेल देखना है तो कॉल ट्रैकर को क्लिक करिए। आप किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में हैं जहाँ पर इंटरनेट है, आप क्लिक कर सकते हैं, हमारे कॉल ट्रैकर को एक्सेस कर सकते हैं और डे बाई डिटेल पूरा देख सकते हैं। सो मैं गॉड से यही प्रे करूँगा कि दिसंबर जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एक वीक ऑलरेडी जो चला जा चुका है, आगे वाले वीक आप लोगों के लिए और इंटेलिसिस के परफॉर्मेंस शीट के लिए बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड मंथ एंड बाय बाय, टेक केयर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ अस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स।